Hallo, ernaast deelnemen. Wat is het hè? Mijn start is ook hè. Autocam member met auto review के एकदम latest brand new episode में और आज मैं यानी कि आपका अपना राहुल लेकर आया है the highly anticipated cars of the Auto Expo 2020 और जिस गाड़ी की बात पिछले 6-7 महीने से बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गई थी in the Indian car market and finally वो गाड़ी अब इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। जी हाँ, मैंने शायद थोड़ा आप लोगों को हिंट दे दिया होगा कि मैं किस गाड़ी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सो उस रास्ते से पर्दा उठाता हूँ। यस, Hyundai Creta। जी हाँ, Creta फेसलिफ्ट 2020 को लॉन्च कर दिया गया इन द इंडियन कार मार्केट एंड ये लॉन्च हुई थी ऑन द 17th of March 2020। दो दिन पहले ही लॉन्च हुई है इन द मार्केट। तो आइए जानते हैं क्या Hyundai Creta अपने जो मेजर कॉम्पिटिटिव राइवल्स है लाइक Harrier, Hector, Seltos, इन तीनों गाड़ियों को टक्कर दे पाएगी इन द मार्केट और क्या इसकी जो प्राइसेस है वो इसके कॉम्पिटिटर्स के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो क्या बहुत ज़्यादा अंडरकट कर दिए उन सारी गाड़ियों को या नहीं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो सेशन में। तो बने रहिए आज के इस वीडियो सेशन में और शुरू करते हैं एक छोटा सा ओवरव्यू ऑन द Hyundai Creta। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन और पहले हम बात करेंगे Hyundai Creta। जी हाँ, इस गाड़ी ने जो एक्साइटमेंट बना रखी थी, जो हाइप बनाया था इन द इंडियन कार मार्केट, दैट वाज आई वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, क्योंकि इस गाड़ी को लेके बहुत ज़्यादा जो एक क्रेजीनेस है ना सारे कस्टमर्स के बीच में, वो बहुत ज़्यादा है। एंड जो एक्सपेक्टेशंस हमने लगाई थी कि इस गाड़ी में क्या चेंजेस होंगे, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन ऑप्शंस, डिज़ाइन, प्लेटफॉर्म, तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए Hyundai ने बहुत बढ़िया फेसलिफ्ट दिया है फॉर देयर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो कि है Creta। एंड अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के सारे उन पहलू पे कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं और हमें क्या नया देखने को मिलेगा फॉर एज एन एडिशनल फीचर और अ सिस्टम इन दिस पर्टिकुलर व्हीकल। एंड अब ये लगती है दी अल्टीमेट SUV जो कि इसका टैगलाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं Creta के फेसलिफ्ट 2020 के सारे उन पहलू पे नजर डालते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इनके तीन मेजर पहलू जो कि है लुक्स, डायमेंशंस एंड द प्लेटफॉर्म जिस पर गाड़ी बनी होती है बेसिकली। तो बात करें इसके लुक्स पे, देखिए लुक्स पे मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, कईयों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा इसके दीवाने होंगे, लेकिन कुछ को क्रिटिसाइज़ करने का मौका ज़रूर मिलेगा कि Creta का जो पहला डिज़ाइन था बहुत अच्छा था, अभी वाले में पता नहीं कैसा डिज़ाइन कर दिया। बट सीरियसली अगर मैं अपने ओपिनियन में बोलूँ, इट लुक्स फैबुलस, इट लुक्स सो स्टनिंग। एंड अगर आप सब तरफ से देख लो 360 डिग्री अगर आप देखोगे इसको फ्रंट साइड एंड रियर, इट लुक्स कम्प्लीटली मैसिव इन साइज, बड़ी तो हो गई है बट बहुत ज़्यादा प्रीमियम एंड बोल्ड शार्पर लुक्स इसके अब उभर के आने लगे फॉर दैट SUV एनहेंसमेंट स्टाइलिंग। तो बात करें इसके लुक्स में, फ्रंट में आपको एक बहुत बड़ा और ग्रे कैस्केडिंग सिग्नेचर Hyundai कैस्केडिंग ग्रिल मिलता है आपको एंड जो हेडलैम्प्स है वो आप ट्राई LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। जो LED DRLs है वो काफ़ी नीटली डिज़ाइन किए हुए हैं, बोनट पे एजेस दिए हुए हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा शार्प लुक बन गया है एंड काफ़ी स्पोर्टी और मसल लुक लगे जो कि इसके डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। एंड फ्रंट में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, Creta के जो ग्रिल थी पहले वाली उसी से ही रिजेंबल है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन अगर मैं सीधे तौर पर बोलूँ जो इसका अब जो Creta आई है फेसलिफ्ट 2020, सिंपल लैंग्वेज में ये जो हूबहू इसके जो डिज़ाइन है वो हूबहू मिलता है विद द चाइना स्पेक मॉडल जो हमने पिछले साल देखे थे, काफ़ी न्यूज़ में इसकी इमेजेस लीक हुई थी जिसका नाम था iX25, उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है इसके डिज़ाइन। एंड अभी भी इसकी जो साइड लुक है उसमें Creta का जो बॉक्सी डिज़ाइन है वो रिटेन ज़रूर किया गया है एंड ताकि वो ऑथेंटिसिटी कहीं भी ख़त्म ना हो पुराने प्रीवियस जनरेशन ऑफ द Creta की। तो बात करें साइड लुक की, साइड लुक में आपको डायमंड कट एलॉयज, दैट बिग फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन एंड आपको काफ़ी ऊंची लगती है पिछले जनरेशन से अब Creta। रियर लुक की तरफ बढ़ेंगे, इट इज़ अ कंप्लीट चेंज, एक नया डिज़ाइन, सब कुछ बदला हुआ है एंड बड़ा सा Creta का बैजिंग लगा हुआ है एंड जो रियर की टेल लैम्प्स हैं दैट इज सिमिलर टू द फ्रंट हेडलैम्प डिज़ाइन लेआउट एंड बहुत ही प्रीमियम एंड क्लास अपार्ट लग रही है डिज़ाइन की मदद बोलूँ तो। ये तो मेरा अपना ओपिनियन रहा एंड डिज़ाइन में एक्सटीरियर्स के लिए मैं इसको देता हूँ 4.5 आउट ऑफ 5 इन माई ओपिनियन।
तो अब बढ़ते इंटीरियर में, इंटीरियर के जो लेआउट है पूरा चेंज कर दिया गया है, इंटीरियर का लुक फील बहुत अलग है, फीचर्स बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, एडिशनली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा दी गई है एंड बहुत ज़्यादा अब सेगमेंट में जो गाड़ी आती थी उनके टक्कर में अब क्रेटा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ इट्स फीचर्स, लुक्स एंड इवन फॉर द प्रैक्टिकलिटी एज वेल। तो इंटीरियर में आपको एक नया डैशबोर्ड, अलग अलग तरह के ड्यूल टोन इंटीरियर स्कीम वाले आपको फैसिलिटी अवेलेबल मिलेंगे, आपको वेरिएंट टू वेरिएंट आपको देखना पड़ेगा। तो ये था इंटीरियर में। अब बात करें प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, Hyundai Creta 2020 facelift शेयर कर दिया अपना प्लेटफॉर्म विद इट्स सिस्टर कंपनी जो कि किया, जिसके जिनकी पहली SUV है Seltos, उसी का ही प्लेटफॉर्म क्रेटा में भी दिया गया है एंड दोनों की जो प्लेटफॉर्म है सेम है। प्लेटफॉर्म सेम होने की वजह से जो मेजर कारण बनता है इन दोनों गाड़ी में सिमिलरिटी का वो है कि कैबिन स्पेस में ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा, बट थोड़ा सा आपको अंतर लगेगा अगर आप किया Seltos को देखेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी लगेगी इन टर्म्स ऑफ इट क्रेटा, ठीक है। और दोनों की गाड़ियों में देखिए तो क्रेटा ज़्यादा चौड़ी है इन रिस्पेक्ट टू द Seltos, तो उस जगह थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं डिफरेंस जरूर नजर आएगा। ये हुआ इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लेटफॉर्म दोनों का थोड़ा सा बड़ा है, इसमें से क्या हुआ कैबिन स्पेस आपको बहुत अच्छा मिलेगा, फ्रंट रो सीटिंग, सेकंड रो सीटिंग एंड द बूट स्पेस इज ऑल्सो वेरी सफिशियंट फॉर द Hyundai Creta एंड ये फैमिली SUV की तरह जानी जाती थी और ये वही नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हमेशा ही एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहेगी फ्रॉम द Hyundai। तो ये तो बात हुई लुक्स, डायमेंशन एंड प्लेटफॉर्म के बारे में। अब बात करेंगे इंजन ऑप्शंस। जी हाँ, इंजन ऑप्शंस के मामले में बात करें, देखिए Hyundai Creta पहले आती थी 1.6 पेट्रोल 1.6 डीजल, ठीक है, दो इंजन आते थे एंड 1.4 लीटर का डीजल, तीन इंजन ऑप्शन थे उसमें, एक पेट्रोल और दो डीजल थे। अब बात करें तो सीन बिल्कुल उल्टा है, अब दो पेट्रोल और एक डीजल है एंड ये जो इंजन है वो सेम है ऑफ द किया Seltos। जी हाँ, इसमें सेम किया Seltos वाला ही इंजन मिलेगा आपको, थोड़े बहुत माइनर थोड़े बहुत पावर ट्यूनिंग की जो फिगर्स पावर फिगर्स होंगे वो थोड़े बहुत ट्यून अप होंगे, अदरवाइज इंजन बिल्कुल सेम है। तो स्टार्ट करते हैं विद द पेट्रोल इंजन, दैट इज द फर्स्ट इंजन जो है वो 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल यूनिट जो कि ऑलमोस्ट 120 प्लस bhp का पावर जनरेट करता है एट ऑलमोस्ट 250 Nm ऑफ पीक टॉर्क, ठीक है, एंड ये आता है आपको 6-speed मैनुअल एंड डेडिकेटेड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स सिस्टम एज वेल। और दूसरा इंजन की बात करें जो कि 1.5 लीटर का पेट्रोल, ये 115 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है 210 या 220 Nm ऑफ पीक टॉर्क और ये आता है विद द 6-speed मैनुअल एंड एन डेडिकेटेड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। इन तीनों इंजन के साथ बेसिकली आपको एक चीज़ अच्छी है कि आपके पास ऑटोमेटिक गियरबॉक्स अवेलेबल है। और जिसका तीसरा इंजन है वो है डीजल इंजन ऑप्शन, दैट इज द 1.5 लीटर 4-cylinder CRDI U2 डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 117 bhp पावर एंड ऑलमोस्ट 240 Nm ऑफ पीक टॉर्क, ठीक है, ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। इन तीन इंजन के साथ ये और अब पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो गई है। तो ये तो भाई इसके इंजन की बात, देखिए माइलेज का तो अभी कोई ऐसा एक्चुअल फिगर अभी पता नहीं है, बट ARAI सर्टिफिकेशन का अगर देखें तो ऑलमोस्ट ये कम से कम सिटी के अंदर कम से कम 20-21 के आसपास दिखा देगी या मैक्सिमम तक 22 तक, अगर आप पेट्रोल या डीजल को भी कर, डीजल में भी 22-23 एक्सीड करेगी बट पेट्रोल में आपको 18-19-17 मैक्सिमम मिला करेगा डेफिनेटली फॉर श्योर, अगर आप उसको सही तरीके से ड्राइव करते हैं तो। ये डिपेंड करता है टू द ड्राइविंग कंडीशंस एंड ड्राइविंग बिहेवियर्स के ऊपर। तो अब बात करें प्राइजेस के स्टार्ट होते हैं 9.99 lakhs एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 17.20 lakhs एट शोरूम दिल्ली। तो ये प्राइजेस जो है मुझे थोड़े से ज़्यादा लगे बिकॉज किया Seltos के जो बेस वेरियंट है ST वो आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट 20-25 हज़ार सस्ता, जैसे कि अगर आप देखोगे तो उसके जो ऑनरोड प्राइजेस होंगे वो भी कम होंगे। तो एक शोरूम प्राइजेस है जो किया Seltos के बेस वेरियंट की वो है ऑलमोस्ट 9.69 lakhs शोरूम दिल्ली, ऑन रोड हो जाते जाते कम से कम 10 लाख हो जाती है, लेकिन ये थोड़ी सी 10-10.5 लाख तक जाएगी Creta का जो बेस वेरिएंट है। और ये 5 वेरिएंट्स में आती है EX, S, SX एंड SX ऑप्शनल। तो लेकिन फीचर्स भरपूर दिए गए हैं, चाहे अगर आप बेस वेरिएंट भी लोगे तो भी आपको अच्छा खासा फीचर मिलेगा एंड
सेफ्टी के मामले में ये बहुत बढ़िया बिल्ड के साथ आती है, अब और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ बिल्ड करी गई है। एंड इट कम्स विद द AHSS हाईली स्टील स्ट्रेंथ बिल्ड प्लेटफॉर्म के साथ आती है, जो कि ऑलमोस्ट बना हुआ है 40% ऑफ हाई टेंसाइल स्टील से। एंड इसमें आपको 6 एयरबैग्स फॉर द सेफ्टी, ABS विद EBD, ESP विद ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, 4 डिस्क ब्रेक्स फॉर द टॉप मॉडल, S6 ऑप्शनल, ये फर्स्ट इन इस सेगमेंट है, ठीक है आपको। और आपको मिल जाता है पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा फॉर द टॉप मॉडल, S6 ऑप्शनल ओनली, सिर्फ आपको उसी वैन में मिलेगा 360 डिग्री कैमरा, जो कि फर्स्ट इन इस सेगमेंट है। एट 10.25 इंचेस टच स्क्रीन सिस्टम, जो कि बहुत बड़ा है। एंड ये हैरियर, जो कि इस सेगमेंट में आने वाली इससे थोड़ी बड़ी SUV है, उससे भी बड़ा टच स्क्रीन ये प्रोवाइड करती है। तो फीचर्स के मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फीचर्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं बता नहीं पाऊंगा, बहुत सारे हैं तो आपको स्क्रीन पे नज़र जरूर आ रहे होंगे। तो फीचर्स से लोडेड है, रियली वैल्यू फॉर मनी SUV है। एंड अब ये तगड़ा कॉम्पिटिशन देगी टू इट्स मोस्ट पॉपुलर राइवल, जो कि है टाटा हैरियर एंड किया सेल्टोस एंड MG हेक्टर। ये तीनों गाड़ियां जो है ना, इन तीनों गाड़ियों को जोरदार टक्कर मिलने वाली है, डेफिनेटली फॉर श्योर। तो ये तो बात हुई किया, ये तो बात हुई Hyundai क्रेटा की, एंड इसके ओवरऑल रिव्यू के बारे में मैंने बता दिया। एंड इन माई ओपिनियन, मैंने इसको आई थिंक इंटीरियर के बारे में बताना भूल गया, इसका इंटीरियर को मैं दूंगा 4 out of 5 इन माई ओपिनियन। एंड ओवरऑल गाड़ी को अगर दूँ एक स्ट्रॉन्ग स्कोर आउट ऑफ 10, देन आई वुड डेफिनेटली गिव 8.5 out of 5, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी पहलू जो ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आई, तो उस हिसाब से मैंने इसको 8.5 out of 10 दिया हुआ है, अ स्ट्रॉन्ग स्कोर। सो आई बिलीव आप लोग को भी SUV बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, एंड आप जा सकते हैं एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप फॉर टेस्ट ड्राइव, एंड आप बुक कर सकते हैं इसको एट अ मिनिमम बुकिंग अमाउंट ऑफ 21,000 रुपीज ओनली। तो ये था मेरा आज का अपना रिव्यू, और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, पहले जो थी उससे भी ज़्यादा सक्सेस गेन करे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ इस गाड़ी को लेके। एंड Hyundai ने जो फीचर्स कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स एंड फीडबैक को देखते हुए दी है, जो चीज़ें दी है, जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, वो काबिल तारीफ है। एंड हैट्स ऑफ टू द इंजीनियर्स ऑफ द Hyundai। तो अंत में बस जाते जाते इतना ही कहूँगा कि अपना प्यार से बनाए रखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे कोई भी चीज़ छूटेगी आपको बाद में दिक्कत होगी। कुछ भी अगर पूछना हो कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल छोड़ दीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। एंड अपना प्यार से बनाए रखें, मिलते हैं इसके सारे कंपैरिजन वीडियोस में बहुत जल्द। अभी तो विटारा ब्रेज़ा के कंपैरिजन भी आएंगे, एंड इसके भी लेके आऊँगा, बट जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। बट अपना प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब करिए चैनल को, पसंद आया तो लाइक दबा दीजिएगा, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट ज़रूर करिए, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं वही नई वीडियो डालने से पहले एक छोटा पोस्ट ज़रूर डालता हूँ, या मैं भी सीधा अपना वीडियो डालता हूँ, तो फॉलो ज़रूर करिए। मैं इंस्टाग्राम हैंडल अपना छोड़ दूँगा यहीं पर, तो वहाँ पर भी अपना सपोर्ट और प्यार ज़रूर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद एंड शाबाश, मिलते हैं बहुत जल्द।